हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल फूड किचन। मैं हूं निशा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, साबूदाना वड़ा की रेसिपी। इसे आप व्रत में भी बना के खा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ जो आप व्रत में नहीं डालते हो तो उसे आप ना डालें। उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कप साबूदाना। साबूदाना को अब हम अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। 2 से 3 बार आप इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद अब हम इसका सारा पानी ड्रेन कर लेंगे और दोबारा से इसमें हम पानी डालेंगे सोक करने के लिए। तो ये देखिए, पानी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा ना रखें, थोड़ा सा ही ऊपर रहे साबूदाने से, इतना ही। और इसे हम 4 से 6 घंटे के लिए सोक होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप इसे रात भर छोड़ते हैं तो और भी अच्छा है। 6 घंटे बाद ये देखिए, हाथों से साबूदाना अच्छे से मैश हो रहा है, दब रहा है, मतलब साबूदाना हो चुका है। अब हम एक पैन चढ़ाएंगे और पैन में डालेंगे 2 चम्मच ऑयल और उसमें डालेंगे 1/2 कप मूंगफली और इसे हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। ये देखिए, थोड़ी देर के लिए हम इसे रोस्ट करेंगे क्योंकि हमें इसे पीसना है, तो इसे हम थोड़ी देर रोस्ट करेंगे। अब इसे ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे। इसका बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाएं, पाउडर जो है हमें थोड़ा सा दरदरा रखना है ताकि थोड़े से मूंगफली के चंक्स भी रहे उसमें। अब हम सेम पैन में, थोड़ा सा ऑयल था तो उसमें डालेंगे जीरा, एक हरी मिर्च और उसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम कुछ मसाले डालेंगे इसमें, तो थोड़ा सा हम इसमें हल्दी डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डाला मैंने, धनिया पाउडर, और इन सब को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मसाले नहीं डालते हैं धनिया और लाल मिर्च तो इसे आप बिल्कुल हटा सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये पीसा हुआ मूंगफली और इन सबको भी वापस से मिक्स कर दें। अब इसमें डालें थोड़े से धनिया पत्ती, तो यहाँ मैंने बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाली है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब एक बड़े से बर्तन में हम डालेंगे 2 उबले हुए और मैश किए हुए आलू। आलूओं को उबाल लिया था मैंने, उबाल के ठंडा होने पर उसे मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सोक किए हुए साबूदाना। हमने जो साबूदाना सोक किया था उसे हम इसमें डाल देंगे आलू के साथ। और अब हम इसमें डालेंगे जो मूंगफली का पाउडर हमने तैयार करके रखा है मसालों के साथ, उसे हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक, तो यहाँ मैंने सेंधा नमक डाला है। यहाँ डालेंगे धनिया पत्ता और इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप व्रत में खाते हैं तभी इसे डालें। और इसे अच्छी तरीके से हम मैश करेंगे। हमें आलू, साबूदाना और सारे मसालों के मिक्सचर को अच्छी तरीके से मैश करके एक डो फॉर्म बनाना है। आप देख सकते हैं, स्पून की मदद से मैं अच्छी तरीके से इसे मैश कर रही हूँ, आप हाथों से भी कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से एक डो बनने लगा है। आप हाथ में लेके देखें, ये अच्छे से जब एक डो फॉर्म में आ जाए मतलब ये बन चुका है। ये देखिए, अब हम इसे वड़े का शेप देंगे। आप इसे गोल भी रख सकते हैं और नहीं तो आप इसे इस तरह से हाथों के बीच में रख के इस तरह से वड़ा का शेप दें। ये देखिए, मैं आपको एक दूसरा भी करके दिखाती हूँ। स्पून से आप थोड़ा सा लें और उसका बॉल बनाएं। जब बॉल बन जाए तो उसे हाथों के बीच में रख के दबा दें। अब ये देखिए, साढ़े वड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे, तो शैलो फ्राई कर रही हूँ मैं। शैलो फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ऑयल डाला और इसमें हम गर्म तेल में साबूदाने के वड़े डाल देंगे। आप इसे मीडियम हीट पर ही कुछ देर पकने दें, तुरंत इसे ना पलटें वरना ये टूट जाएंगे। तो इसे आप मीडियम हीट पर थोड़ी देर पकने दें। जब ये नीचे से थोड़े से लाल हो जाए, अच्छे से कलर आ जाए इसमें, तभी आप इसे पलटें। आप देख सकते हैं कि साबूदाना वड़े अच्छे से एक तरफ से पक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, तभी मैं इन्हें पलट रही हूँ। तो इसे उलट पुलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक आप इसे दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई करें। इसे बिल्कुल अच्छे से पलट के दोनों तरफ से फ्राई करें, तभी ये कुड़कुड़े बनेंगे और अच्छे बनेंगे। ये देखिए, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब हम इसे एक किचन टावल पे निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे साबूदाना के वड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इसे आप गर्मा गर्म परोसे, खाने में बहुत ही मज़ेदार है। मैंने यहाँ पे हरी धनिया और आंवले की चटनी के साथ इसे परोसा है, बिना लहसुन के, क्योंकि ये व्रत में खाए जाने वाला है तो इसे आप बिना लहसुन के बनाएं।
तो यहाँ पे मैंने आंवले और धनिया पत्ते की चटनी के साथ डाला है। बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही टेस्टी बड़े बनकर तैयार हुए हैं। व्रत में आप इसे खाएं, और अगर व्रत नहीं है तब भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है। अपनी पसंद की चटनी के साथ आप इसे सर्व करें। मैंने जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दिए हैं इस रेसिपी के लिए, आप उसे ज़रूर फॉलो करें। साबूदाना में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, और इसे कुरकुरा बनाने के लिए आप इसे पहले मीडियम हीट पर आप इसे रखें। ये देखिए, अंदर से भी काफ़ी अच्छे से पक चुका है और काफ़ी क्रिस्पी बना है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर रेसिपीज़। थैंक यू।